नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं आम का लच्छे वाला अचार। ये अचार मेरी बिटिया बना रही है, गाइड उनके पापा कर रहे हैं। प्लीज़ कहीं गलती होगी तो उसको माइंड मत करिएगा। हमारी बिटियों को बहुत शौक़ है अचार खाना बनाने के लिए। हाथ देख के आपको पता चल रहा होगा। ये आम को ऐसे छील लीजिए। हमारे पति देव भी अचार और खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं यार। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। जितने पुराने सब्सक्राइबर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। हैं, ये देखिए हमारी बिटिया बना रही है आम। कैसे किनारे से काट दीजिए उसको। ये देखिए, ये 1 केजी आम है। ये आम को ऐसे किसना है का वो ले लीजिए आप। किसने ले लीजिए उससे किस डालिए। ये देखिए, ये जो हरे हरे निकले उनको अलग करके रख देना है। बहुत ही अच्छा लगता है, बना के खाइएगा। बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं। पराठा के साथ, पूड़ी के साथ आप टिफिन में, लंच बॉक्स में रख सकते हैं। बूढ़ों के लिए भी अच्छा रहता है, फंसता नहीं है दांत में। ये देखिए, हमारी बिटिया को बहुत पसंद है, इसलिए बोली मम्मी हम बनाएंगे अचार। और बता उनके पापा रहे, इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है। ये देखिए, पूरा वो कर ली है, किस ली है इसको, कद्दूकस कर ली है। ये नमक है, नमक टेबल स्पून देखेंगे तो 3 से 4 टेबल स्पून होगा। ये पूरा मिला के, जब तक आप मसाला भूनेंगे तो हल्दी नमक मिला के इसको रखना है ढक के। ये हल्दी डाल दिया है। जब तक मसाला भुनेगा पीसेगा तैयार होगा तब तक मैं इसको इसको ढक के रख दीजिए। ये मसाला देखिए, ये सौंफ है, काली मिर्च है, करायल है, धनिया है, लाल मिर्च है, जीरा है, पीली सरसों है, लहसुन है, 5-6 वो है, लाल मिर्च है, मेथी है, ये लहसुन है। देखिए कितने अच्छे से सजा के रखी है मेरी बिटिया रानी। ये धनिया 2 टेबल स्पून है। इसको भून लीजिए हल्का सा। मसाला भी इसमें कम पड़ता है। ये देखिए भून गया है। ये 1 टेबल स्पून जीरा है। ये 1 टेबल स्पून सौंफ है। इसमें से आधा सौंफ हम मसाला में डालेंगे, आधा खड़ा डालेंगे, तो उसको आधा निकालेंगे। ये मिर्ची देखिए, 4 है, और 1 टीस्पून मेथी है इसमें। ये 1 टीस्पून काली मिर्च है। ये देखिए, उसको भी भून लेना है आपको। ये करायल है 1 टीस्पून। क्या बोलते हैं आप लोग, मगरायल, कलौंजी, जो भी बोलते हो देख के आप वो कर लीजिएगा। ये लहसुन है। अब इसको मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। 2 टेबल स्पून है। ये सौंफ है, इसको हम आधा पीसेंगे, आधा खड़ा डालेंगे। ये देखिए, ये
ये काली मिर्च है, ये धनिया है, ये जीरा है। अब इनको सबको पीसना है। ये देखिए मिक्सी के जार में हमने डाल दिया इसको, जो मसाला भूने थे। ये देखिए वो हो गया है। आपको ज़्यादा महीन नहीं करना है इसको। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी तीखी रहती है थोड़ी सी। ये 2 टेबल स्पून, ये पीली सरसों है, ये कलौंजी है, कलौंजी खड़ा ही डालना है। ये सौंफ हमने जो निकाला था, आधा डाला था मसाला में, आधा निकाल लिया था उसका थोड़ा सा। ये लहसुन का पेस्ट, ये हमने सौंठ पाउडर डाल दिया है इसमें, दिखा नहीं पाए थे आपको, ये ड्राई जिंजर पाउडर, ये अजवाइन डाल दिया है 1 टीस्पून, ये हींग है, ये भी 1 टीस्पून होगा, उससे थोड़ा सा कम। अब इसमें जो रखे थे हल्दी नमक डाल के आम के लच्छे में इसको मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। नमक तो पहले डाल दिया था हमने। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये काला नमक है, 1 टीस्पून है। ये हमने देसी खांड लिया है इसमें। आप इसकी जगह शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, खट्टा जैसे आपको पसंद हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा इससे उसका खट्टापन बैलेंस हो जाता है। ये तेल है, ये देखिए सरसों का तेल है। दो से तीन चम्मच होगा तेल। बस तैयार हो गए, देखिए झटपट। अब ये बढ़िया, न धूप में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जार में या टाइट डिब्बे में भर के आप इसको साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। बताइएगा हमारी बिटिया कैसे बनाई है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए रख रही है। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी बेचारी, इतनी गर्मी में बनाई है। प्लीज़ अगर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए पूरा, तैयार हो गया है। बहुत 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 धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। थैंक